दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन कुछ जोड़े इतने अजीब होते हैं कि जिन्हें देखकर लगता है कि प्यार अंधा होता है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं जिन्हें देखकर सच में ऐसा लगता है कि प्यार वाकई ही अंधा होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना काउंटडाउन। सोशल मीडिया और फिल्मों ने हमारा दिमाग इतना ख़राब कर दिया है कि हमें यही नज़र आता है कि दो परफेक्ट लोग ही एक अच्छे रिलेशन में रह सकते हैं, लेकिन इंसानों का परफेक्ट होना नामुमकिन है। लू यी। चीन में एक ऐसा शख्स भी रहा है जिसने खुद से शादी की थी। उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये 39 साल लू यी था जिसने अपनी लाइफ साइज्ड पिक्चर के साथ शादी की थी, जिसमें उसने सुर्ख दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। गुंगशू गांव के चौक में बहुत से परेशान दोस्तों और मकामी लोगों के सामने लू यी ने अपनी लाइफ साइज्ड फ़ोटो के साथ शादी की। इस शादी की तकरीब में चीन की तमाम पुरानी रिवायात पर अमल किया गया। ये एक बहुत ही अजीब कहानी है, लेकिन हकीकत यही है। लू यी ने इस बात की तर्दीद की कि वो हमजिंस परस्त है, लेकिन एतराफ़ थोड़ा सा नशा आवर है। सुनील एंड हेलेन। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जिन्नात या भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इस जोड़े ने दावा किया है कि उन्हें एक भूत ने शादी करने का मशवरा दिया। एक 8 साल लड़के ने 61 साल की उम्र की औरत से अपने मुर्दा बाप दादा के माजी के मशवरे पर शादी की। हेलेन शेबेंगो शादी के वक्त 5 बच्चों की मां थी। सुनील ईस्ट साउथ अफ्रीका का रिहायशी था। उसने बताया कि उसके बाप दादा ने उससे शादी करने को कहा था, तो खुदा के कहर से डरते हुए और इसको हतमी फैसला समझने पर लड़के के घर वालों ने भूत के इस हुक्म को कबूल कर लिया। शादी 2 महीने के अंदर अंदर हुई, जिसमें दुल्हन को 500 पाउंड और शादी की तकरीबात के लिए दुल्हन वालों को 1000 पाउंड दिए गए। बहुत से मकामी लोगों ने शादी की तकरीब पर अपने सवालात उठाए, लेकिन फिर भी लड़के के अहले खाना ने ये कहते हुए अपने फैसले की हिमायत की कि ये सिर्फ एक तकरीब है, इनकी आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं। एमिंडा रोजर। माजी में कुछ ऐसी भी शादियां हुई जो लोगों को पूरी तरह पागल करने के लिए काफ़ी हैं, और जैसा कि आप एमिंडा रोजर को ही देख लें, जिन्होंने किसी और से नहीं बल्कि अपने डॉग से ही शादी कर ली, क्योंकि उनका यही कहना है कि उनका डॉग उन्हें किसी भी इंसान से ज़्यादा खुश रख सकता है और ज़्यादा प्यार करता है। हालांकि एमिंडा रोजर ऐसी पहली औरत नहीं है जिन्होंने अपने डॉग से शादी की, क्योंकि एमिंडा रोजर का जीवन साथी कोई इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता है। एमिंडा रोजर जो कि एक बरतानवी खातून है, उन्होंने एक आदमी से भी शादी की थी, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी ज़्यादा देर तक ना चल सकी। जब उनसे पूछा गया कि उसने आदमी की बजाय कुत्ते से शादी क्यों की, तो उसने जवाब दिया, शीबा बरसों से मेरी ज़िंदगी में रहा है, जब मैं खुद को कमतर महसूस करती हूँ तो मुझे वो हंसाता है और तसल्ली देता है। एकिको कोंडो। क्या कभी किसी को टीवी या फिल्म के फिक्शनल कैरेक्टर से प्यार हुआ है जहां पर आप पागलों की तरह उसे पसंद करते हों? हालांकि ये चीज़ बच्चों और टीन एज के लोगों में पाई जाती है, लेकिन बात तब अजीब हो जाती है जब एक जेंटलमैन किसी कार्टून कैरेक्टर से प्यार कर बैठे, और वो भी इतना ज़्यादा कि वो उससे शादी भी कर सकता हो। दोस्तों, आप जानते हैं कि जापान में कार्टून और गेमिंग वगैरह का कितना ज़्यादा क्रेज़ है, और ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये क्रेज़ बड़ों में भी पाया जाता है, जो शायद आप लोगों को पता ना हो। जापान के रहने वाले इस आदमी, जिनका नाम एकिको कोंडो है और उन्हें 35 साल की उम्र में एक चाइनीज़ कार्टून कैरेक्टर
میکو سے پیار ہو گیا۔ انہیں یہ کارٹون کریکٹر اتنا زیادہ پسند تھا کہ انہوں نے اس کے کئی سارے ڈال اپنے گھر میں لا کے رکھے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے گھر میں ایک ہولوگرام پروجیکٹر بھی ہے، جس کے ذریعے وہ اس ڈال کو الگ الگ طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ شروع میں یہ صرف کارٹون کریکٹر کو پسند ہی کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ اور بڑے ہوتے گئے تو انہیں اس کریکٹر کے ساتھ پاگلوں کی طرح پیار ہو گیا، اور پھر انہوں نے میکو کے ساتھ آفیشلی شادی بھی کی، جہاں پر انہوں نے اپنی وائف یعنی میکو کے لیے خود ہی ڈریس ڈیزائن کروائی اور اس شادی کو ایک نارمل شادی کی طرح ہی کیا، جہاں پر انہوں نے سبھی رسومات کو پوری طرح نبھایا۔ دوستو، آپ کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کارٹون کریکٹر سے شادی کرنا سمجھداری والی بات ہے۔ ایمنڈا، دوستو ہمیں پتہ ہے کہ کارٹون کریکٹر سے شادی کرنا عجیب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب کسی بھوت سے شادی کرنا ہے۔ جی ہاں، حیران نہیں ہوں، کیونکہ ایمنڈا نام کی عورت جو کہ ناردرن آئرلینڈ میں رہتی ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں کافی دلچسپ ہیں۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایمنڈا کو شروع سے ہی پائریٹس بہت زیادہ پسند تھے، اور اسی وجہ سے ایک دن انہیں اچانک سے ایسا محسوس ہوا کہ ایک پائریٹ جو تقریباً 300 سال پہلے مر گیا تھا وہ ان کے بیڈ پر ان کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، جس کے بعد اس کی اس پائریٹ کے ساتھ بانڈنگ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ایک دن انہوں نے شادی کے لیے پروپوز کر دیا، جس کے بعد ان دونوں کی شادی بھی ہوئی۔ جی ہاں، ایمنڈا نے ایک بورٹ پر جا کر اپنی شادی کی، جہاں پر انہوں نے سبھی رسومات کو نبھاتے ہوئے اپنی شادی کی، اور اس شادی میں ان کے سب فرینڈز اور فیملی لوگ بھی موجود تھے، بس کوئی غائب تھا تو وہ دلہا تھا۔ لیکن ایمنڈا کا کہنا ہے کہ وہ اس شادی میں موجود تھا، جو کہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور دوستو ہمیں کسی اور کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ سٹوری سننے کے بعد یہ یقین ہو گیا ہے کہ سچ میں انسان پیار میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور دوستو، کون سی سٹوری آپ کو سب سے اچھی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔